पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली में निःशुल्क चिकित्सा जांच परामर्श और रक्तदान शिविर का आयोजन। दिल्ली में प्राइमस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने मेजर डॉ टीसी राव के नेतृत्व में निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में कैंप के लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई व रक्तदान किया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके शिविर का उद्घाटन करते हुए स्वस्थ लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान जगह जगह विभिन्न सामाजिक कार्यों का आयोजन हो रहा है। सोमवार को हुए निःशुल्क जांच परामर्श एवं रक्तदान शिविर का आयोजन भी इसी का हिस्सा था। इस मौके पर नेता व जन सेवक मेजर टीसी राव कहा कि प्राइमस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क जांच परामर्श एवं रक्तदान शिविर कैंप में 51 से ज्यादा लोगों ने अपना रक्तदान कर सामाजिक सेवा के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने आगे कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं होता है। सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल मरीज समय पर खून नहीं मिलने से अपनी जान गंवा देते हैं। यह कार्यक्रम भाजपा के सेवा पखवाड़ा का एक हिस्सा था। मैं मेजर डॉक्टर टीसी राव पूर्व सैनिक हूं। नरेंद्र मोदी जी के जन्म के ऊपर पूरा ये सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के कोने कोने में चला रही है, जिसमें विभिन्न सेवाएं हम समाज को दे रहे हैं। पहला मेडिकल चेकअप कैंप, मेडिकल ट्रीटमेंट कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, उनकी लोगों के लिए जिनकी जान खतरे में होती है, बीमार होते हैं, ब्लड की जरूरत पड़ती है, एक एक बूंद से इंसान की जिंदगी बनती है। तो ये इसके अलावा एक उधम माँ के नाम पे स्वच्छता अभियान, गांधी जयंती आने वाली है उसके ऊपर भी। आज हमने चाणक्यपुरी में संजय कैंप एक जगह है जहाँ पे लगभग 4000 लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो कोई बस में कंडक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करते हैं, कोई झाड़ी बजाते हैं, कोई रेहड़ियां लगाते हैं। उस कैंप पे हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। युवा है, उनमें बहुत जोश है देश के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करना। और मेडिकल चेकअप कैंप जो हमने लगाया है वो प्राइमस हॉस्पिटल यहाँ से 500 गज की दूरी पे है चाणक्यपुरी में, उनके सौजन्य से हमने मेडिकल कैंप लगाया है, जिसके अंदर आंखों की जांच होगी, चश्मे फ्री दिए जाएंगे। कितने दिन का ये कैंप लग रहा है? ये कैंप आज के लिए, अगर हमारे कैंडिडेट पूरे नहीं होते और भी बच जाते हैं कोई चेकअप में, कल भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ये सारे लोग आएंगे। ECG, BP लेवल, BMD चेक, RBS चेक, जिनको दवाइयां प्रेस्क्राइब करेंगे उनको फ्री में दवाइयां दी जाएंगी। हमारी संस्था है भारत ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण, उसके तहत हम ये सेवा दे रहे हैं। दिल्ली छावनी विकास समिति है, दिल्ली विधानसभा का ये एक मंडल है चाणक्यपुरी मंडल, विधानसभा में 3 मंडल, तीनों मंडलों में आज ये कैंप लगाए जा रहे हैं और ये समर्पित है देश की जनता को, गरीबों को, मेहनत कश जो लोग हैं उनको, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। हम नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और इस देश को ऐसे ही नेतृत्व मिलता रहे, उसके भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके लीडरशिप में ये देश बहुत आगे बढ़े, ये देश भारत बने, तो देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, हर रोजगार के साथ भी इंसान का परिवार कल्याण हो, रोजगारों की भरमार रहे इस देश के अंदर। और आपको पता ही है पूरी दुनिया में आज भारत की साख बहुत मजबूत हुई है, इसको और मजबूत करने के लिए ये पूर्व सैनिक समर्पित है जन सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, गरीबों को सहारा देने के लिए। आज इसलिए हमें ये कैंप लगवाया है, बहुत उत्साह है यहाँ के लोगों में, चेकअप कराएंगे, अपना ट्रीटमेंट लेके जाएंगे,
दवाइयां फ्री में देंगे, चश्मे हम उनको फ्री में देंगे। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? आज हमारी टारगेट यहाँ का लगभग 100 लोगों का टारगेट है ब्लड डोनेशन का। 100 युवा ब्लड डोनेट करेंगे। रोटरी क्लब गलकाबाद के सौजन्य से, रोटरी क्लब दिल्ली की तरफ से, मैं रोटरी क्लब ब्लड बैंक गुड़गावा का फाउंडिंग मेंबर हूँ। मैंने उनसे निवेदन किया, मैं शुक्रिया अदा करूंगा रोटरी ब्लड बैंक वालों का, हमारे खास करके रमेश गोयल साहब का जो अभी पहुंचने वाले हैं, बहुत सीनियर हमारे रोटरी के वो कार्यकर्ता हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगवाया है। मेडिकल चेकअप कैंप पे मुझे उम्मीद है 2000 से ज्यादा लोगों का जब वहाँ चेकअप कर पाएंगे। हमने वहाँ पे 11 काउंटर लगाए हैं, हर काउंटर में अलग अलग चेकअप होगा, अलग अलग डॉक्टर बैठे। यस, मैं बताना चाहूंगा मेरा कार्य क्षेत्र अभी आज के दिन दिल्ली छावनी विधानसभा है। हमने 29 तारीख का मेडिकल चेकअप कैंप झगड़ा गांव में, दिल्ली कैंट का हिस्सा पड़ता है, कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में आता है, वहां प्लान किया है। 12 अक्टूबर का भी हमने प्लान किया है, 2 अक्टूबर का भी हमने प्लान किया है। ऐसे मेरे ख्याल से 7-8 मेडिकल कैंप अगले 2-3 महीने में हम दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे। बिल्कुल, ब्लड रोटरी ब्लड बैंक तुगलकाबाद, रोटरी ब्लड बैंक गुड़गांव, जिस भी हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ती है पेशेंट्स को, उनके पास में डिटेल्स है, उनके फोन नंबर है, मोबाइल नंबर से अपना बंदा भेजते, बहुत कंसेशनल नॉमिनल उसके ऊपर वो ब्लड दिया जाता है, कोई वहां पे खरीद फरोख्त नहीं है, बहुत नॉमिनल जो उनका खर्चा लगता है वो भी नहीं निकाल पाते, चैरिटी के हिसाब से वो जान बचाते हैं लोगों की जिनको जरूरत है ब्लड।